राहुल का समर्थन करने रिक्शा चलाकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, जीत लिया राहुल का दिल। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हो रही है। बुधवार को देश भर में कांग्रेस पार्टी ने मौन सत्याग्रह कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी काला मास्क लगाकर रायपुर में मौन व्रत किया। इस सत्याग्रह के जरिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है और कांग्रेस के नेता अजब गजब तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने गांधी मैदान पहुंचे। दरअसल राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह किया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेसियों ने कई खासा अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता महात्मा गांधी का वेशभूषा धारण कर मौन सत्याग्रह में शामिल हुआ। इसके अलावा रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ई रिक्शा चलाते हुए गांधी मैदान पहुंचे। उनके साथ कुछ महिला कांग्रेसी भी रिक्शा में बैठकर धरना स्थल पहुंची। कांग्रेस का मौन सत्याग्रह पूरा होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जनता की आवाज को बुलंद करने वालों की आवाज को बंद करने की बात हो रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा से केंद्र सरकार दबाव में है, केंद्र सरकार घबराई हुई है। राज्यों के रिजल्ट आने से उनकी घबराहट और बढ़ गई है, इसलिए जो आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अरुण साव को आड़े हाथ लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरनेम तो मुसलमान पारसी भी लिखते हैं, वो लोग भी पिछड़े वर्ग के हैं, अग्रवाल भी लिखते हैं और अपर क्लास के लोग भी लिखते हैं, तो मोदी सरनेम केवल पिछड़े वर्ग के लोग नहीं लिखते, विविध जाति विविध धर्म के लोग लिखते हैं। अरुण साव थोड़ा ज्ञान वर्धन कर ले। कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, इसलिए नए नए षड्यंत्र राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग रच रहे हैं। लेकिन ये इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के पुत्र हैं, ये डरने वाले नहीं हैं और पूरा देश आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।